मैंने उधर को बोल रहा नहीं करना प्रॉब्लम अच्छा बुझ ना बुझ ये जो प्रोटेस्ट है इसके बारे में बोलिए सर आप धरने पे बैठे आज मजबूरन कई सालों के बाद मुझे खुद याद नहीं है कि कब मैंने इस तरह प्रोटेस्ट किया हो लेकिन आज हालात ने मुझे मजबूर किया कि मैं यहाँ आया और अपनी नाराज़गी का और कुछ हद तक कहें तो बेबसी का मैं इजहार करूं। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं हुकूमत से माँ सिवाय जो फैमिलीज हैदरपुरा एनकाउंटर में जो जहां उनके उनके मारे गए वो डेड बॉडी मांग रहे हैं उनकी डेड बॉडी तक उनको नहीं दी जा रही है। यहाँ तक के एक पीसफुल प्रोटेस्ट कल कर रहे थे वो प्रेस कॉलोनी में उनको वो तक करने नहीं दिया। कल तक मैं अपने साथियों से कह रहा था कि मैं कम से कम एहतजाज नहीं करूँगा मैं बाकी दरवाजे खटखटाऊँगा लेकिन आज जो उनके साथ हुआ उनको एसपी के दफ्तर बुलाया गया फिर उनको कंट्रोल रूम बुलाया गया और हम ये उम्मीद लिए बैठे थे कि अब उनको बॉडी में कि मैं अपनी आवाज़ जो है उन फैमिलीज़ के साथ जोड़ दूं और मैं कोशिश करूं कि उनके लिए इंसाफ हासिल किया जाए। मुझे कोई इंक्वायरी से लेना देना नहीं फ़िलहाल मैं किसी के लिए सज़ा नहीं मांग रहा हूं मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद माना कि ये सिविलियन है क्रॉस फायरिंग में मारे गए इनको पुलिस के ज़रिए उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए उनकी डेड बॉडीज़ हंदवाड़ा से निकाली जाएं फैमिलीज़ को लौटा दी जाएं ताकि सही तरीके से यहाँ पे उनको दफन किया जाए। और सर जो इंक्वायरी ऑर्डर है तो आप उसको नहीं मानेंगे? मैंने आपसे कहा ना मेरा इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं मेरा अगर इंक्वायरी से मेरा अगर मकसद इंक्वायरी होता तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता मैं सिर्फ और सिर्फ उन फैमिलीज के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जो एक नया ट्रेंड चला हाइब्रिड मिलिटेंसी के बारे में बताया जाता है मुझे पहले कोई ये समझाए ना कि हाइब्रिड मिलिटेंट है क्या चीज ऊपर थोड़ा मुझे भी 6 साल हुए एज चीफ मिनिस्टर मैंने भी यूनिफाइड कमांड का वो हेड किया है मैंने भी इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स लिए हैं मैंने तो कभी हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम नहीं सुना यहाँ तक कि दुनिया भर की खबरों पर मैं नज़र रखता हूँ मैंने किसी मुल्क में हाइब्रिड मिलिटेंट का टर्म इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा तो पहले हमें ये समझाएं ना अब ये हाइब्रिड मिलिटेंट है क्या चीज़ उसके बाद हम फिर इस पर तबसरा करेंगे कि कौन था कौन नहीं था वो छोड़िए ना अब आज हम सिर्फ एक मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं कि कम से कम अगर हमारे यहाँ बैठने से किसी की आँखें खुलें और अगर हम उन घर वालों को इंसाफ दिलवा सकें उनके जो लवाकिन हैं उनको डेड बॉडीज हम लौटा सकें तो ये सबसे बड़ी बात होगी और यही शायद जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी और कहा कि मैं वो दूर करना चाहता हूँ अगर उनके डेड बॉडीज लौटा दिए जाएं और वो दूरी थोड़ी कम हो तो मुझे लगता है किसी को उसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। चलें।